सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त कार्टून कार वाला, और आज फिर एक काफ़ी स्पेशल वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम बैठे हैं द ब्रांड न्यू 2022 एक्सेल 6 और टाइम हो रहा है सुबह के 3:55 AM। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है हमारे सामने, टॉप एंड मॉडल है अल्फा प्लस, एंड इंजन जो इसमें आता है वो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 104 हॉर्स पावर की पावर प्रोड्यूस करता है, और साथ के साथ 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ मैं आज बताना चाहूँगा कि आज की ये जो वीडियो है ये होगी आपकी मारुति एक्सेल 6 का माइलेज टेस्ट टैंक टू टैंक वाला। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पेट्रोल पंप के बाहर ही खड़े हैं, बिल्कुल यहाँ से हम अपना टैंक फुल करवाएंगे, और 60-70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दोबारा यहीं से आगे दोबारा से रीफिल करवाएंगे, और ताकि जेन्युइनिटी बनी रहे। तो ये शहर ही है, ये सिटी के अंदर का सीन है, और आगे रोड टूटी हुई भी आएगी, फिर थोड़ा सा हाईवे ड्राइव भी होगा, तो कुल मिला के प्रॉपर ये रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट होगा। और गाड़ी के अंदर अभी 6 सीटर कार है, एक पैसेंजर आगे, दो बीच में, और एक लास्ट रो में भी पैसेंजर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी नंबर भी नहीं आया गाड़ी का। तो यहाँ पे हम टैंक फुल करवा रहे हैं हमारी कार का। हो गया, तो ये टैंक हमारा पूरा फुल हो गया ऊपर तक। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी 2029 रुपये में फुल हुई है, 21 लीटर का पेट्रोल अंदर आया इसमें, ऑलरेडी हाफ से ज़्यादा थी पहले। तो अभी यहाँ से हम अंदर बैठ के अभी ट्रिप मीटर वगैरह सारा को रीसेट कर लेंगे, फिर देखते हैं कि कितनी माइलेज ये गाड़ी निकालती है। सो दोस्तों, जस्ट अभी हमने टैंक फुल करवा लिया कार का, एक बार ट्रिप वगैरह सारी रीसेट कर लेते हैं। एसी पूरा टाइम कार का ऑन रहेगा यहाँ पे, आगे वाला भी, और पीछे तो ब्लोअर ही आते हैं इस कार में, मतलब यहाँ से हवा जाती है और पीछे चले जाती है, तो ये यूनिट पूरा टाइम ऑन रहने वाली है कार की। वेंटिलेटेड सीट भी यहाँ पे हम ऑन रखेंगे कार की, क्योंकि यहाँ पे टॉप एंड मॉडल है, तो कोई भी होगा तो वो ऑन ही रखेगा। और यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रिप हम ऑलरेडी रीसेट कर चुके हैं, फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ सारा कुछ। ये ट्रिप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0.0 किलोमीटर हो चुकी है, और एज यू कैन सी कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस माइलेज आपकी आती रहेगी जो 0, 10, 20, 30, 40, 50, और यहाँ पे आपकी आती रहेगी एवरेज, टोटल एवरेज रहेगी आपकी। बाकी तो हम यहाँ पे फुल करवाएंगे ही, रिफिल करवाएंगे, चलते हैं फिर, है ना। लाइटें वाइटें ऑन है गाड़ी की सारी, और यहाँ से अब हम हाईवे की तरफ जाएंगे सिटी के बाहर। सारा खेल वैसे तो आरपीएम का है, पर हम रियल वर्ल्ड माइलेज टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं नॉर्मल गाड़ी चलाऊंगा, जैसे आप लोग भी जब हाईवे पे जाएंगे तो जैसे ही आप ड्राइविंग करेंगे तो उसी तरह की ड्राइविंग मैं यहाँ पे करूँगा। जैसे जैसे कार कहेगी कि गियर चेंज करो, उसी हिसाब से हम गियर चेंज करेंगे। अभी थर्ड गियर पर गाड़ी चल रही है, और कार ने कह दिया कि फोर्थ गियर डालो, तो ये हमने फोर्थ गियर डाल दिया गाड़ी का, बहुत ही ईजिली फोर्थ गियर डाल दिया। और यहाँ पर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एवरेज आपके सामने है, जैसे अभी 25 की आ रही है और 30 तक की भी जा रही थी ये बीच में, और फोर्थ गियर पे ही गाड़ी चल रही है हमारी। 10-15 किलोमीटर चलाने के बाद मैं दिखाता हूँ कि क्या सीन है कंप्यूटर पे। ओके, 10.1 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमें चलते हुए। जो रेंज आ रही है गाड़ी की वो 302 किलोमीटर आ रही है, माइलेज इज 19.4 किलोमीटर पर लीटर। 4 लेन हाईवे, मतलब 2 लेन इस साइड है और 2 लेने उस साइड है,
चलाते हैं गाड़ी को थोड़ा, और अब मैं आपको मिलूंगा 20 किलोमीटर पूरे होने पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फिफ्थ गियर पे गाड़ी चल रही है, रात का टाइम है, वेंटिलेटेड सीट ऑन है, नीचे जैसे आप देख रहे हैं ब्लू लाइट जल रही है, यहाँ पे क्लाइमेट भी ऑन है और पीछे भी सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं आराम से। पीछे ऑन है ना ब्लूअर? ओके, इट्स ग्रेट। 2000 years later। तो यार रोशनी भी होनी शुरू हो गई है और सुबह के 4:50 हो चुके हैं, मतलब 5 बजने वाले हैं, और डिस्टेंस हमने कवर कर लिया 33 किलोमीटर, और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो कार हमें शो कर रही है वो है 22.2 किलोमीटर पर लीटर, 321 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज यहाँ पे गाड़ी शो कर रही है। एसी कार का ऑन है, वेंटिलेटेड सीट ऑन है, पीछे का ब्लोअर ऑन है और कार की लाइटें वगैरह भी ऑन है, तो इंजन पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा लोड तो सारी चीज़ें डालती हैं। अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे ये लग रही है कि विद एसी ये कार 22.2 की माइलेज शो कर रही है अभी, और ये इंस्टेंटेनियस यहाँ पे आ रही है, ये प्रॉपर माइलेज है 22.2, ये बड़ी चीज़ है, ये अलग चीज़ है जो देखने को नहीं मिलती ऐसी गाड़ियों में। और 63 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल हमने सेट किया हुआ है। यहाँ एक दो जैसे अभी पीछे वो टोल टैक्स वाला सीन आया था तो वहाँ पे ब्रेक लगी तो पूरी कार जीरो पे हुई, फिर फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके गियर चेंज हुए, ठीक है। तो अभी जैसे चढ़ाई आ रही है यहाँ पे हल्की सी, तो इंस्टेंटेनियस देखना नीचे गिरेगी, क्योंकि कार का इंजन लोड उठाएगा ना तो ये नीचे आएगी, ये आ गई 20 के आसपास आ जाती है नीचे, 20 से भी नीचे आ गई, और जैसे ये चढ़ाई ख़त्म होगी हल्की सी ढलान आएगी तो ये 45-50 तक भी शो करती है। तो ओवरऑल 22.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज यहाँ पे हो चुकी है। दिस इज़ ओसम विद एसी, ये चीज़ ओसम है। 37.7 किलोमीटर और 22.5 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज, विच इज़ अगेन वेरी अमेजिंग विद दिस कार, एंड 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे क्रूज कंट्रोल सेट है। और अभी इसलिए कैमरा ऑन किया क्योंकि ब्रेक मारनी पड़ गई थी मुझे। दोस्तों अभी अभी हमने यू टर्न लिया पुल के नीचे से, हाईवे से उतर गए थे हम, तो जस्ट अभी अभी 22.7 से 22.8 हो गई है माइलेज, और थर्ड गियर पे कार फिर से वही चीज होगी ना, मतलब गियर कम करो गियर बढ़ाओ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अच्छी खासी हमारी कार ने कवर कर लिया 41 किलोमीटर का डिस्टेंस, 41 किलोमीटर यहाँ पे हो चुके हैं नीचे दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हाफ सेंचुरी पूरी हो गई है, 50.5 किलोमीटर कार चल चुकी है यहाँ पे, 50.6, 5:10 हो गए हैं, और सबकी हालत यहाँ पे खराब हुई पड़ी है, नींद आ रही है सबको अच्छी खासी, आ रही है नींद? नहीं बिल्कुल नहीं आ रही। कार के ओनर पीछे बैठे हुए हैं आराम से तो इनको नींद नहीं आ रही है। हालांकि द गुड थिंग हियर इज कि 23.3 किलोमीटर पर लीटर हो चुका है, और मैं यहाँ पे प्लस करने लगा हूँ, यहाँ से ये प्लस करा 58, 59, 60, ये 65 कर दी मैंने, ठीक है। अब क्यों मैं नहीं बढ़ा रहा स्पीड, उसका रीज़न है जैसे वो घोड़ा जा रहा है, ये ट्रक जा रहा है, और यहाँ से मुझे ब्रेक मारनी पड़ जाती अगर मैं थोड़ा सा और तेज़ होता, तो इसी चीज़ से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। जबकि अगर आप देखें कि जो इंस्टेंटेनियस है वो उतनी ही दिखा रहा है, लाइक
बढ़ी जाती है, मतलब उतनी रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 55 से लेकर 75 के बीच में अगर आप गाड़ी चलाओगे तो आप 20 प्लस की माइलेज इस कार में हमेशा ले सकते हो, हमेशा। आसपास तो हम अपने पेट्रोल पंप पे पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके हम गाड़ी को फुल करवाएंगे। तो अगर हम हिसाब लगाएं 23 की माइलेज, अगर ये रियलिटी है, अगर सच में 23.4 या 23.5 जो भी निकलेगी एट द एंड, अगर ये सच है तो हमारा 2 point something कुछ लीटर पेट्रोल आना चाहिए गाड़ी में। मतलब 3 लीटर के अंदर अंदर हमारा काम हो जाएगा, मतलब फिर से फुल हो जाएगी ये गाड़ी। बाकी मैं प्रॉपर आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कैलकुलेटर पे कि एग्जैक्ट माइलेज, टू बी प्रिसाइज, रियल वर्ल्ड माइलेज क्या आएगी इस गाड़ी की। किलोमीटर यहाँ पे कार ने कवर कर लिए हैं अभी, और प्रॉपर हम सिटी के अंदर आ चुके हैं। प्रॉपर यहाँ पे रोशनी हो चुकी है, सुबह का 5:26 AM टाइम है अभी। 22.8 किलोमीटर पर लीटर कार हमें शो कर रही है यहाँ पे, और हमारा पेट्रोल पंप आने ही वाला है। आई थिंक अगले 1 किलोमीटर के अंदर अंदर आ जाएगा, तो मैं वीडियो को ऑन ही रखने वाला हूँ। सीधा जाके अब हम टैंक फुल करवाएंगे कार का, देखते हैं कि कितने किलोमीटर पे टैंक फुल होता है गाड़ी का और कितने लीटर पेट्रोल ये गाड़ी और ले पाएगी अपने अंदर। नियर अबाउट 63 किलोमीटर जैसे है, तो इसमें से 25 से लेकर 30 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस हमने सिटी में कवर करा है। तो इसे आप कह सकते हैं कि 45% सिटी और 55% आपका हाईवे। तो यही होता है कि थोड़ी अगर आप शहर में चलाओ, बाकी हाईवे पे चलाओ थोड़ी। जो लोग डेली लाइक दिल्ली NCR के एरिया में रहते हैं, डेली वो जॉब करने के लिए गुड़गांव से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से गुड़गांव जा रहे हैं, तो हाईवे का ट्रैवल भी होगा, थोड़ा सिटी का भी होगा, सिटी का ट्रैफिक भी होगा, ब्रेक्स भी लगेंगे, तो 20 प्लस का माइलेज तो मुझे लगता है कि कार देगी देगी। बाकी पेट्रोल पंप आ गया, यहाँ से रीफिल करवा लेते हैं कार को एक बारी। यही था तो यहाँ हम पहुंच गए हैं, और One long angry line later. दाल तो पूरा ऊपर तक बन गया। पे फुल हो गई हमारी गाड़ी 2.91 लीटर पेट्रोल पे 280 रुपए के, और 1 लीटर भी ऑटो पर लग जाता। तो दोस्तों यहाँ पे जो कार है हमें दिखा रही है 22.6 फाइनल माइलेज, 64 किलोमीटर एग्जैक्टली हमारी कार ड्रिवन हुई है 64 किलोमीटर। टाइम इज नाउ 5:37 AM और 2.91 लीटर हमने पेट्रोल डलवाया गाड़ी में। तो 64 लिखो पहले, 64 डिवाइडेड बाय 2.91,
तो जो एग्जैक्ट माइलेज आई है वो आई है 21.99, जिसे मैं 22 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बोल सकता हूँ नो डाउट। और यहाँ पे 22.6 है, तो थोड़ा सा मशीन का एरर हो गया यहाँ पे, और थोड़ा सा हो गया जो पेट्रोल पंप की मशीन है उसमें भी कुछ ना कुछ एरर होता होगा, क्योंकि जब हम ऐसे टैंक टू टैंक फुल करवाते हैं तो बार बार लाइक डालते हैं इतना सा, फिर मतलब जो भी है तो थोड़ा सा एरर वहाँ पे आता है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब 0.5 से भी कम एरर आ रहा हो ना यहाँ पे, लाइक 22 की आई है और 22.6 यहाँ पे शो कर रही है, तो दैट मीन्स कि इसका जो कंप्यूटर है बिल्कुल सही हमें बता रहा है माइलेज, और हमारी कार ने यहाँ पे 22 की एवरेज फ्यूल इकोनॉमी हमें प्रोवाइड करी है। तो कुल मिला के अगर मैं वीडियो को एंड करते हुए बताऊँ तो विद 5 पैसेंजर्स, पूरी कार फुल होने के बाद एसी पूरा टाइम ऑन रहा, वेंटिलेटेड सीट पूरा टाइम ऑन रही, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कार की जो माइलेज आई है थम्सअप है मारुति को यहाँ पे, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रूगल है, काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टाटा बाय बाय।